नजर आप देख रहे हैं खबर हंग्री। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। विदिशा जिले में तीन मिनट पहले मिली लाश का किया पुलिस ने पर्दाफाश। धार जिले के मनावर में जुआरियों पर गिरी पुलिस की गाज, पांच आरोपी नकदी के साथ धराए। यूपी के कन्नौज में फौजी हत्याकांड से पुलिस ने उठाया पर्दा। धार के मांडव में हुई स्वच्छता के लिए रैंकिंग, नगर का हुआ जायजा। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की लटेरी थाना क्षेत्र में तीन दिन पहले मिली लाश के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने आज हत्या के मामले से पर्दा हटा दिया है। वहीं पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए तीन आरोपी सहित एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि मृतक महिला का पति था और पत्नी के अवैध संबंध आरोपी युवक से थे, जिसके चलते आए दिन दोनों के बीच झगड़ा हुआ करता था और इसी को लेकर योजनाबद्ध तरीके से महिला के साथ मिलकर प्रेमी और दो अन्य सहयोगी आरोपियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी मृतक युवक को मछली पकड़ने का बहाना बनाकर लटेरी लेकर आए थे और इसी दौरान युवक को जंगल में ले जाकर शराब पिलाई, साथ ही मौके पर ही युवक का गला रेतकर हत्या कर दी। इधर लटेरी पुलिस ने 72 घंटे में ही मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस की यह बड़ी कामयाबी को देखते हुए विदिशा पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने इस मामले में शामिल टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि मृतक गुना जिले के जामनेर का निवासी था, वहीं आरोपी भी गुना जिले के जामनेर के निवासी बताए जा रहे हैं। किस तरह से खुलासा हुआ, किसकी मुख्य भूमिका इसे सुलझाने में रही थी? दिनांक 21/11/19 को बीट गार्ड प्रदीप श्रीवास्तव ने थाने पर ये सूचना दिया कि नया गांव रोड पर, जिसको कांटाहेड़ी जंगल कहा जाता है, रोड किनारे झाड़ी के पास जो है एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर जो है हमारे थाना प्रभारी श्री काशीराम जी कुशवाहा अपने थाने के बल के साथ वहाँ पहुँचे मौके पर। मैं स्वयं मौके पर गया, मौका स्थल देखा है। सब को देखने पर प्रथम दृष्टया ये लगा कि इसके गले पे और पेट पर काफ़ी गहरे धारदार हथियार से जो है चोटों के निशान थे, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया हमने हत्या का मामला जो है पाया जाने से मौके पर ही जो है 302 की FIR लेख की गई अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध, क्योंकि सब जो है अज्ञात था उस समय। और इसके पश्चात जो है प्रकरण दर्ज करने के पश्चात इसकी सब का जो है पहचान करने के लिए हम लोगों ने जो है आसपास के गांव वालों को जो है बुलवा करके प्रयास किया, तो मृतक के शव के पास भी एक बीड़ी का मंडल मिला था, जिसमें मुनीम छाप बीड़ी का मार्का लगा हुआ था। उसके आधार पर वहाँ के ग्रामवासियों का भी ये निष्कर्ष था कि इस तरह की बीड़ी की सप्लाई लटेरी, शमशाबाद और विदिशा। सिरौन से प्रदीप कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। धार जिले के मनावर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कई दिनों से जुए की टेबल की सूचना मिल रही थी, जिस पर मनावर पुलिस ने दबिश देकर जुआ खेलते पांच जुआरी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 27,200 रुपए जब्त किए गए। मनावर थाना के ग्राम बड़गांव खेड़ी में चल रहे जुए का पर्दाफाश कर पुलिस ने बताया कि कांग्रेस नेता व AIG का जिला अध्यक्ष नारायण जौहरी चला जुए का कारोबार चला रहा था, जिसमें पुलिस ने 27,000 से अधिक नकदी के साथ ही मोबाइल एवं ताश गड्डी जब्त की। मगर सूत्रों की माने तो मनावर पुलिस ने 4,77,000 रुपए जब्त किए हैं, मगर खुलासा साठ काट में करके मनावर पुलिस ने खुद का उल्लू सीधा कर लिया है। मामले में पांच जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें तीन मनावर विधानसभा के हैं और दो बड़वानी जिले के जुआरी पकड़ाए हैं, बाकी जुआरी मौके से फरार हो गए हैं। थाना मनावर के क्षेत्र बड़गांव खेड़ी में जुआ खेलने की बार बार खबर आ रही थी, जिसमें आज मुखबिर की सूचना पर
बड़गांव खेड़ी हमारी पुलिस टीम गई थी और दबिश देकर 5 से 5 व्यक्तियों को पकड़ा जुआ खेलते, जिसमें 28,200 रुपये नकद और 5 मोबाइल जब्त किए। यूपी के कन्नौज के चर्चित होटल संचालक फौजी हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पत्नी के प्रेमी ने एक साथी के साथ मिलकर होटल मालिक की हत्या की थी। पुलिस को इस हत्याकांड की कड़ियां सुलझाने में 1 माह का समय लग गया। मामले में दोनों हत्या के आरोपी व हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में जीटी रोड किनारे फौजी होटल के मालिक मनोज फौजी की 26 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मनोज रात को होटल पर अकेले रुकता था, देर रात सोते समय ही यह हत्या हुई थी। मृतक के भाई ने अज्ञात बदमाशों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मनोज छिबरामऊ क्षेत्र का चर्चित होटल मालिक था, जिसके चलते पुलिस पर व्यापारी लगातार दबाव बना रहे थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने हत्याकांड की सच्चाई जानने के लिए स्वाट टीम को लगाया था। स्वाट टीम ने जांच में पाया कि मृतक पहले जेल जा चुका है। जेल में रहने के दौरान उसकी पत्नी के प्रेम संबंध मैनपुरी के रिंकू से हो गए थे। जेल में रहने के दौरान उसकी पत्नी रिंकू के साथ रह रही थी, तभी मनोज जब जेल से छूटा तो वह अपनी पत्नी को संग ले आया। जब उसने पत्नी पर प्रेमी से मिलने के लिए बंदिशें लगाई तो प्रेमी रिंकू ने हत्या की योजना बनाई और 26 अक्टूबर को एक साथी विश्व प्रताप सिंह के साथ मिलकर उसने मनोज की हत्या कर दी और फरार हो गया। स्क्वाड टीम ने साक्ष्य जुटाकर हत्या आरोपी रिंकू और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। प्रेमपुर चौकी थाना छिबरामऊ में एक फौजी ढाबा है, वहाँ पर 28/10 को एक मनोज गुप्ता नामक जो ढाबा संचालक है उसके छोटे भाई की हत्या हो गई थी। आज उसी हत्या का खुलासा हुआ है और इसमें छिबरामऊ थाना अध्यक्ष और उनके साथ हमारी सर्विलांस और स्वाट टीम इन लोगों ने 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और इस केस का खुलासा किया है। इसमें जो एक्यूज्ड पकड़े गए हैं वो एक रिंकू श्रीवास्तव है जो बेवर्ता रहने वाला है और विश्व प्रताप सिंह भी बेवर्ता का रहने वाला है। इन दोनों ने प्लानिंग करके उसकी हत्या की थी। वजह ये थी कि जो मृतक है मनोज, वो पहले नारकोटिक्स में बंद हुआ था और उसको सजा हो गई थी। जब जेल में था तो उसकी पत्नी से मिलाई करने के दौरान रिंकू की दोस्ती उसकी पत्नी से हो गया था और बाद में फिर उसकी पत्नी रिंकू श्रीवास्तव के साथ चली गई और उसके साथ कुछ समय वहाँ पे रही, उससे एक बच्चा भी हुआ उसको। और बाद में जब मनोज गुप्ता छूट करके आया तो फिर उसने कहा कि हमारी पत्नी को वापस करो, तो उसकी पत्नी तो मनोज के पास आ गई थी लेकिन रिंकू गुप्ता का संबंध बना हुआ था और इसी वजह से दोनों में रंजिश थी और ये धमकी भी देता था मनोज गुप्ता कि तुम हमारी पत्नी से बातचीत करना छोड़ दो। चूँकि रिंकू श्रीवास्तव जो है इसकी पत्नी का देहांत हो चुका है, इसलिए ये बीच बीच में बात करता रहता था और डरा भी रहता था और इसी रंजिश की वजह से ये अपने एक साथी विश्व प्रताप की मदद से साथ साथ आया और इसने आकर के मनोज गुप्ता की हत्या कर दी। इसमें जो प्रारंभिक जब विवेचना शुरू हुई और जो FIR आई थी तो उसमें जो ढाबा संचालक है उसने एक फौजी है एक आर्मी जिसका ढाबा था जिसके किराए में मतलब मालिक है तो उस पर सजाए किया था और नामजद किया था, लेकिन विवेचना से वो निर्दोष पाया गया है और जो सही कल्प्रिट थे वो हमारी विवेचना से प्रकाश में लाए आए और फिर उनके विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से एक तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद। धार जिले के मांडव नगर परिषद में स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत होटलों, स्कूल, वार्ड, अस्पताल आदि की स्वच्छता रैंकिंग की गई, जिसमें तमाम स्थानों पर स्वच्छता को लेकर मुआयना हुआ।
जिसके अंतर्गत सभी जगहों पर सफाई व्यवस्था, शौचालय, लिटर बिन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग ना हो रहा हो, इस आधार पर स्वच्छता रैंकिंग को अंजाम दिया गया, जिसका परिणाम अगले सप्ताह जारी किया जाएगा। रैंकिंग में मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय कानूनगो, सब इंजीनियर बलदेव सिंह ठाकुर, स्वच्छ भारत मिशन कंसल्टेंट मयंक तिल्लोरे उपस्थित रहे। बताना चाहेंगे कि नगर परिषद द्वारा स्वच्छता रैंकिंग प्रतिमाह की जा रही है। वहीं मांडव की होटल विरासत, होटल शिवानी, होटल गुरुकृपा स्थित अधिकारियों द्वारा पहुंचकर सफाई व प्लास्टिक बर्तन व इनके उपयोग को भी जाँच हुई। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में हम जो है मांडव के अस्पताल, जो शासकीय अस्पताल, प्राइवेट निजी अस्पताल, उसके बाद में होटल है, व्यावसायिक होटल है, उनका निरीक्षण कर रहे हैं। तो आज हम होटल विरासत में आए हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इनके जो सफाई व्यवस्था है, इनके द्वारा जो गीला कचरा, सूखा कचरा पृथक से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, इनकी जो शौचालय वगैरह है नियत समय पे साफ़ हो रही कि नहीं हो रही है, इनका आज निरीक्षण किया गया। और विरासत के बाद में और भी जितने भी मांडव में होटल हैं उनका हम निरीक्षण करेंगे, उसी के आधार पर इनको जो है नगर परिषद सीएमओ द्वारा, हम नगर परिषद मांडव के अंतर्गत स्वच्छ होटल, स्वच्छ अस्पताल, स्वच्छ वार्ड, स्वच्छ बाजार की रैंकिंग कर रहे हैं। और उसी रैंकिंग के दौरान आज हम होटल विरासत पर आए हैं और इनके यहाँ के टॉयलेट की साफ़ सफाई, इनके यहाँ जो सूखा और गीला कचरा जो निकल रहा है उसका इनके द्वारा क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और साथ ही प्लास्टिक का जो इनके द्वारा उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और दो डस्टबिन इनके पास रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए हैं, इसी प्रकार से यदि अच्छी रैंकिंग प्राप्त होती है तो उन्हें हम प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत करेंगे। धार से आशुतोष सिंह की रिपोर्ट। धार जिले के धर्मपुरी के पूर्व विधायक कालू सिंह ठाकुर राजधानी भोपाल में वल्लभ भवन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मेंडा कलेक्टर एसडीएम खनिज विभाग के द्वारा उन पर गलत आरोप लगाकर चार्ज कर उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह आदिवासी समाज से होकर विगत 35 वर्षों से विधानसभा क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसमें उनकी छवि खराब हो रही है। एमएलए का कहना है कि जिसके विरोध में उनके समर्थक कालू सिंह ठाकुर द्वारा वल्लभ भवन स्थित अनिश्चितकालीन हड़ताल रखी गई है। बीजेपी से वर्तमान में पांचीलाल मेड़ा विधायक है, उसके द्वारा और उसके लोगों द्वारा जितने भी प्रतीक्षालय उनको पोत के उनके नाम लिख देना और कहीं जगह अन्य जगह से हटा के उनके हिसाब जगह लगा देना, और फिर हमारे लोगों ने छोरों ने हमने रोकने की कोशिश की, तो प्रशासन, सीएमओ, तहसीलदार, एसडीएम रात में जा के वो चोरी करे ऐसे निकाल के दूसरी जगह लगा रहे उनके हिसाब से। तो इसके विरोध में मैं जिले में बैठा कलेक्टर के यहाँ, कलेक्टर ने जांच कराई, जांच कराने के बाद में कलेक्टर ने वहाँ से बोले ठीक है ये गलत जगह निकाले, तुम पर जहाँ लगे थे वहाँ नहीं लगाया, उसके बजाय दूसरी जगह लगा दिया। फिर असंतुष्ट होकर मेरे को भोपाल आके धरना देना पड़ रहा, मतलब मेरी विधायक निधि के कितने टैंकर बांटे और उसके पिछले कार्यकाल के मेड़ा के भी टैंकर आधे उन्होंने बेच दिए, और दूसरी विधानसभा का रहने वाला महेश्वर आधे लोग उनको, उनके परिवार में उनके घर वाले उनको टैंकर दे दिया। इसकी जांच की जाए उसके समय की भी और मेरे समय की भी, जिससे भी गलती है जिसके भी हो नियम अनुसार कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर इंडिया के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।